आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम शेकी फुटेज को स्टेबलाइज किस तरह करेंगे, स्मूथ किस तरह बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम शेकी फुटेज को स्टेबलाइज किस तरह करेंगे, स्मूथ किस तरह बनाएंगे। कुछ वीडियोस होते हैं जिसको हम मिसाल के तौर पर मोबाइल से शूट करते हैं या फिर हैंड हेल्ड शॉट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हैंड्स की जो मूवमेंट होती है, वैसे अगर हम देखें आईफोन के जितने भी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन होती है, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। बहुत ही अमेजिंगली वो वीडियोस को स्मूथ करते हैं। कुछ कैमरास में भी इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन होती है, लेकिन स्टिल कुछ कैमराज कुछ लेंसेज में इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन नहीं होती और आपको वर्ड स्टेबलाइज़र या इस तरह के इफ़ेक्ट्स लगाकर फुटेज को स्टेबलाइज़ करना होता है, या अगर फुटेज में छोटी मोटी शेकनेस आ रही है तो इस इफ़ेक्ट को यूज़ करके आप उस फुटेज को स्टेबलाइज़ कर सकते हो। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इन टू प्रीमियर प्रो। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल में और यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ वार्प स्टेबलाइज़र। ठीक है, मैं आप सिंपल वार्प सर्च कर रहा हूँ और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने फुटेज में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये। ठीक है, स्टेबलाइज होने में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये स्टेबलाइज हो रहा है अभी 90% एंड 100%। अभी ये स्टेबलाइजिंग आ रहा है तो आप लोग देखेंगे इस ऑलरेडी ये फुटेज को थोड़ा सा जूम करेगा, बहुत ज़्यादा जूम किया है, लेकिन स्टिल इसने फुटेज को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो स्टेबलाइज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस फुटेज को विदाउट इफ़ेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फुटेज है एज़ यू कैन सी, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो शेकनेस है, मूवमेंट है, और हम इस मूवमेंट को हटाना चाहते हैं, इसको एक स्मूथ लुक देना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है इसको इसके ऊपर जो अपना इफ़ेक्ट जब हमने लगाया इसको ऑन कर देते हैं और अभी हम देखते हैं तो आपको रिज़ल्ट का पता चल जाएगा कि इससे जो फुटेज की लुक है वो एकदम ज़बरदस्त हो जाती है। नाउ यू कैन सी जो फुटेज में मूवमेंट था, जो शेकनेस थी, वो कम्प्लीटली गायब है एज़ यू कैन सी। हाँ, इसने फुटेज को थोड़ा सा जूम इन किया हुआ है, बट स्टिल इस फुटेज में बहुत ज़्यादा शेकनेस था और इसने इस शेकनेस को जो है वो कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये करना ज़रूरी है जब आप किसी इफ़ेक्ट के ऊपर वार्प स्टेबलाइजर जैसे इफ़ेक्ट लगाते हैं तो आपको नेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पीछे एक रीज़न है। अब अगर आप इस फुटेज को मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं स्लो मोशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो वार्प स्टेबलाइजर एंड स्पीड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन द सेम क्लिप, यहाँ पे ये एरर आ रहा है और आई एम श्योर कि आप लोगों के पास भी इस तरह का एरर आ सकता है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, फुटेज पर राइट क्लिक करना है और नीचे आना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है आप लोगों ने। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ स्टेबलाइज्ड फुटेज। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि हमारे पास वो जो फुटेज था वो एक नेस्टेड सीक्वेंस के अंदर आ गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट लगाएंगे, अब हम दोबारा जाएंगे और इसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे एज़ यू कैन सी, और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। देखो, अब वो एरर नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था। ठीक है, अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, यू कैन सी यहाँ पे जो फुटेज है उसकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो गई है, साथ साथ ये स्टेबलाइज भी हो गया है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। स्टेबलाइज में हमारे पास और भी काफ़ी सारे जो है वो चीज़ें होती है, जैसे कि स्मूथ मोशन है, नो मोशन है। ठीक है, देखो ये हर फुटेज के लिए उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कौन से फुटेज के लिए कौन सा इफ़ेक्ट सही वर्क कर रहा है आपको ये ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे है मेथड, तो आप लोगों ने सब स्पेस वार्प करना है, पर्सपेक्टिव करना है, सिर्फ पोजीशन पे आप लोगों ने वार्प स्टेबलाइजर लगाना है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ शेकनेस यू वांट टू रिड्यूस। ठीक है, नीचे बॉर्डर्स हैं, तो एज यू कैन सी यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट, आप इसको जो है वो मज़ीद चेड़ सकते हैं, अपने फुटेज के हिसाब से आप इसको चेंज आउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि शेकी फुटेज को किस तरह स्टेबलाइज़ करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एसेंशियल साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि हम एसेंशियल साउंड्स में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कमालात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।